सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको अमेजोन के इको डॉट जो स्पीकर निकले हैं फोर्थ जनरेशन स्पीकर उनकी आज मैं आपको फुल डिटेल दूंगा गाइस कि हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या कैसा ये स्पीकर है। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, किस तरह से डिज़ाइन निकल के आया, क्या हमें इको डॉट जो थर्ड जनरेशन स्पीकर है उनसे हमें क्या नया देखने को मिल जाता है, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अमेजोन के इको। सो गाइस सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे अमेजोन के जो इको डॉट थर्ड जनरेशन जो हमें स्पीकर देखने को मिल जाते हैं उससे हमें क्या अपग्रेड देखने को मिलता है फोर्थ जनरेशन इको डॉट स्पीकर में। तो अमेजोन के जो इको डॉट थर्ड जनरेशन है उसकी डिज़ाइन की बात कर लूँ, दोनों को कंपेयर कर लूँ, तो इस बार आपको फोर्थ जनरेशन में एक स्पेयर साइज में देखने को मिलता है और जो थर्ड जनरेशन है उसमें आपको एक राउंड साइज में आपको देखने को मिलता था इतने भी डिब्बे टाइप का, तो वो अब हट चुका है डिज़ाइन। आप अमेजोन के थर्ड जनरेशन के स्पीकर और फोर्थ जनरेशन के स्पीकर में आप आराम से फ़र्क बता सकते हैं कि इस तरह का देखने को मिलता है अमेजोन का थर्ड जनरेशन स्पीकर और अमेजोन का फोर्थ जनरेशन स्पीकर। और बात करूँ यहाँ पे फोर्थ जनरेशन स्पीकर की तो एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है और स्पीकर में हमें और क्या देखने को मिल जाता है फोर्थ जनरेशन स्पीकर में अपग्रेड है, तो जो अलेक्सा है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर दी गई है। बहुत सारे इसमें आपको जो वॉइस कमांड है वो अपडेट किए गए हैं, क्लाउड के सिस्टम से ये वर्क करता है, तो आपकी जितने भी वॉइस है वो उसको आपको खुद ही इन्हेंस करके आपको अपग्रेडेशन खुद ही करता है। तो AI सिस्टम है इसके अंदर, तो वो सीखता है और आपको अच्छी सी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फोर्थ जनरेशन में आपको यही अपग्रेड देखने को मिलता है। और इसी के साथ बात कर लूँ एक और जो आपको अपग्रेड देखने को मिलता है, तो आपको थर्ड जनरेशन जो स्पीकर है इको डॉट स्पीकर उसमें आपको ऑक्स केबल लगाने के लिए कोई भी दिया नहीं गया था 3.5 mm जैक, तो इस बार आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको पीछे देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ऑक्स केबल को कनेक्ट करके आपके स्मार्टफोन है उससे कनेक्ट करके आप एक गाना अच्छे सा गाना प्ले कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको अब समझ में आ चुका होगा कि थर्ड जनरेशन जो स्पीकर है और फोर्थ जनरेशन जो स्पीकर है आपको बॉस कमांड थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा इस बार, ज़्यादा अलेक्सा आपको थोड़ा और जिस तरह से अपग्रेड किया जाता है तो आपको सब कुछ आपको न्यू देखने को मिलेगी, थोड़ा न्यू कमांड में बोला जाएगा अलेक्सा की तरफ से और आपको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए उसमें AI सिस्टम लगा है, तो आपको एक अच्छे सी एक आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे अमेजोन के इको डॉट फोर्थ जनरेशन की जो स्पीकर है उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जो उनके इको डॉट स्पीकर है उनकी प्राइस की बात कर लूँ तो आपको एक देखने को मिल जाता है 4,499 रुपीज़ और एक और जो देखने को मिलता है हमको सबसे हाइयर वेरिएंट इस बार इतना महंगा ही है 9,999 रुपीज़। तो एक जो सबसे ऊपर वाला जो हाई वर्जन है मेरे हिसाब से तो आउट ऑफ बजट है। और इन इको डॉट स्पीकर जो स्मार्ट स्पीकर है गाइस इनसे हम वॉइस कमांड से हमारे जो घर के जितने भी हैं जो AI सिस्टम IoT का जो यूज़ करते हैं वो हम उनसे कनेक्ट करके अपनी वॉइस कमांड्स उन्हें चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो अमेजोन के इको डॉट 4,499 वाले स्पीकर की, तो आपको इसमें जो दिया गया है एक सिंगल स्पीकर दिया जाएगा और इसमें आपको कोई LED लाइट देखने को नहीं मिलेगी। नीचे आपको एक राउंड जो जिस तरह से थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिलता था एक LED लाइट है उस तरह से हमें इसमें भी देखने को मिलती है। नीचे आपको जो स्पेयर साइज है उसमें आपको एक नीचे से एक जो लाइट है वो चेंज कर लाइट आपका चेंज होते रहेगा, उस तरह से आपको एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है। और बात कर लूँ यहाँ पे जो इसके ऊपर है आपको एक प्लस माइनस की देखने को मिल जाएगी, एक म्यूट की बटन जो कि आपकी जो प्राइवेसी है उसे आप सेफ रख सकें, तो आप माइक ऑफ कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे इको डॉट स्मार्ट स्पीकर के हायर वेरिएंट की 5,499 रुपीज़ वाले में, तो यहाँ पे आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है जो हमें 4,999 रुपीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको LED वॉच आपको देखने को मिल जाती है। LED वॉच आपको इस स्मार्ट स्पीकर में देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 1,000 इसके लिए पे करना है बस 1,000 ओनली LED वॉच के लिए, क्योंकि आपको टाइम बताएगी। तो जो भी सेम है हर एक चीज़ सेम है उसके अंदर, आपको जो 4,499 रुपीज़ में देखने को मिलती है सेम टू सेम गाइस आपको पूरे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे 5,499 रुपीज़ में। साउंड भी वैसे ही आएगा, बस आपको जो अपग्रेड दिया गया है इसमें आपको LED वॉच की अपग्रेड दिया गया है, जो कि आपको LED वॉच आपको एक टाइम बताता रहेगा हमेशा। और बात कर लेता हूँ यहाँ पे आप इसके हायर वेरिएंट सबसे हायर वेरिएंट की 9,999 रुपीज़ वाले की, तो इसमें आपको एक रिच बेस और एक अच्छा साउंड आए उसके लिए एक सिंगल दिया गया है एक बड़ा स्पीकर, अब वो मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हमें दो ट्रबल देखने को मिल जाते हैं जो कि साउंड है उसको एक अच्छा सा एक यानी आपको एक बहुत अच्छी होम थिएटर जैसी आपको एक साउंड आने वाली है। और इसका जो बेट है ना बाकी सबसे कंपेयर करूँ
4499 के जो आपको वेट देखने को मिलता है वो ओनली 341 ग्राम्स है। बात कर लूँ अब इसके 5499 की तो आपको इसमें देखने को मिलता है 351 ग्राम्स। लेकिन जो आपको 10,000 पे करने के लिए आपको बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्योंकि गाइस ये आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और वेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस बार 970 ग्राम्स गाइस। तो आप समझ जाओ कि आपको इतने बड़े आपको छोटे वाले स्पीकर देखने को मिलेंगे इतना बड़ा, और बाकी जो सबसे हाइयर वेरियंट है वो आपको इतना बड़ा देखने को मिलेगा। तो आप उसे एक जगह रख सकते हैं इतना बड़ा, फिर भी इतना बड़ा तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि गाइस वेट से आप समझ सकते हैं वेट ज़्यादा है, डायमीटर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको यानी आपका एक स्मॉल होम थिएटर बोलूँ तो होम स्मार्ट होम इको स्पीकर, स्मार्ट होम इको स्पीकर, तो आपको ये स्मार्ट होम इको स्पीकर है गाइस जो कि आप होम थिएटर बना सकते हैं। आपके टीवी से आप फायर स्टिक से कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक जितने भी आपको देखने को मिलते हैं इको डॉट के, तो आप फायर टीवी स्टिक से या फिर वाईफाई से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात नहीं किया मैंने, तो कनेक्टिविटी इसलिए बात नहीं किया क्योंकि इको डॉट जो थर्ड जनरेशन स्पीकर है सेम आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आपको फायर टीवी स्टिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ से, यानी जो वाईफाई ब्लूटूथ जो इको डॉट थर्ड जनरेशन से कनेक्ट कर सकते थे उस तरह से इसे भी, और इंटरनेट से अभी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं जो फोर्थ जनरेशन अमेजोन के स्पीकर है इको डॉट। और यहाँ पे गाइस आपको अब पूरी चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि जो इको डॉट फोर्थ जनरेशन स्पीकर है ओवरऑल की बात करूँ तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिले। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ तो आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि आपको न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगा स्पेयर साइज में, और स्पीकर भी आपको नया देखने को मिलेंगे, और थोड़ा अच्छी आवाज़ आएगी थर्ड जनरेशन के स्पीकर से, थोड़े आपको लाउड देखने को मिलेंगे। और जिसके साथ बात कर लो तो और कोई चेंजेस नहीं है। आपको एक और चीज़ जो चेंजेस है वो है ऑक्स केबल आप लगा सकते हैं, 3.5 mm का आपको जैक देखने को मिल जाता है ऑडियो जैक, बस इतने ही आपको अपग्रेड देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन अपग्रेड किया गया है, एलेक्सा अपग्रेड हुई है। इसी के साथ बात कर लूँ एक और चीज़ की तो वो ही है इसकी ऑक्स केबल लगा सकते हैं आप, ऑडियो जैक लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बात कर लूँ आपको इको डॉट कैसे लगे वो आप कमेंट में बता देना। आपको यदि अच्छे लगे हैं, न्यू डिज़ाइन दिया गया है, न्यू प्राइस भी आया है, महंगा है थोड़ा सा, और बात कर लूँ इसका जो ऑक्स केबल का सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जितना जो 10,000 पे कर रहे हैं तो ऑक्स केबल से आप कनेक्ट करके आपके स्मार्टफोन को जो स्पीकर है उसको होम थिएटर स्पीकर बना सकते हैं। और इसी के साथ गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम।